शाहपुर थाने पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि थाना समाधान दिवस में कुल 15 मामले आए, जिसमें राजस्व व पुलिस टीम मिलकर कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही आगे भी जो मामले आएंगे, दोनों टीम मिलकर नागरिकों की समस्याओं का निस्तारण करेंगे। एसएसपी ने कहा कि अधिकतर मामले भूमि विवाद से संबंधित आए थे, जिसमें प्लॉट का गलत बैनामा कराना, गलत चौहद्दी करना, दो बार बैनामा करना, निर्माण करने रोकने से संबंधित आए थे, जिसके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया गया है। इस अवसर पर सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह, शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, जब मुझे जानकारी और हम 2021 में आग हुआ, मतलब बनाना तो 2016 का है या 2017 का। तो इसमें इसमें सर अभी कहीं कोई कुछ न करे, हॉस्पिटल कुछ अरे भाई, वो तो आपका कहना है, जो बंटवारे में इसको मिला है उसी में बनवा रहे हैं। सगे भाई है, दोनों सगे भाई है, सहमति करके पहले तय कर लो उसका कौन सा है, तब बनवाओ। जनपद में थाना समाधान दिवस चल रहा है, जिसमें कि पुलिस और राजस्व टीम मिलकर जो भूमि संबंधित विवाद हैं उनका निस्तारण कर रही हैं। इसमें अभी तक थाना शाहपुर पर 15 से अधिक मामले आए हैं, जिसमें एसडीएम महोदय, सीओ महोदय स्वयं बैठे थे और मेरे द्वारा भी यहां पर कई प्रकरणों को सुना गया है। इसी प्रकार की व्यवस्था अन्य थानों पर भी है। अभी चल रहा है ये थाना समाधान दिवस और इसमें 2 बजे तक जो भी प्रार्थना पत्र आएंगे उसमें राजस्व और पुलिस टीम मिलकर संयुक्त कार्रवाई करेंगे। जी, अभी भूमि विवाद से संबंधित मामले आ रहे हैं, जिसमें विशेषकर प्लॉट को गलत बेनामा करना, गलत चौहद्दी कर देना, 2 बार बेनामा कर देना, निर्माण करने से रोकना, इस संबंध में शिकायतें आ रही हैं, जिसमें कि राजस्व और पुलिस टीम मिलकर सभी थानों पर यह कार्रवाई कर रही है।